जब द्वार पर बारात लगते ही शुरू हो गया खूनी खेल, डीजे में डांस पर हो गया विवाद और स्वागत से पहले बिछ गई लाशें, फेरे लगने से पहले छा गया मातम, दो सगे भाइयों में एक की घटना स्थल पर हुई मौत, दूसरे की हालत गंभीर। बता दें वैवाहिक आयोजन में डीजे की धुन पर नाच रहे दो पक्षों के बीच डांस करने को लेकर विवाद हो गया। द्वार चार से पहले ही कुछ ऐसा खूनी खेल हुआ कि एक युवक की घटना स्थल पर ही मौत हो गई जबकि उसके सगे भाई की हालत गंभीर बनी हुई है। शादी के आयोजन में हुई इस घटना के बाद पूरे गांव में मातम का माहौल छा गया है। घटना अमरपाटन थाना क्षेत्र के मगरौरा गांव की है। इस घटना को लेकर परिजनों ने बताया कि इटमा खजूरी निवासी राबेंद्र पटेल अपने छोटे भाई प्रकाश पटेल के साथ गाँव के ही एक बुनकर की बारात में शामिल होकर मगरौरा गया हुआ था। बताया जा रहा है कि रात तकरीबन 10 बजे जब बारात द्वार पर लगी तो डीजे में डांस को लेकर एक युवक से विवाद हो गया। तभी आरोपी युवक ने रविंद्र पटेल के ऊपर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। जब अपने बड़े भाई को बचाने के लिए प्रकाश पटेल बीच बचाव के लिए पहुंचा तो उसके ऊपर भी चाकू से हमला कर दिया गया। मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है जबकि प्रकाश पटेल को रीवा शहर के संजय गांधी अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती कराया गया है जहाँ पर चिकित्सक उसका उपचार कर रहे हैं। घटना जो है तो ये लोग शादी थी गाँव की एक नारायण बुनकर की लड़के की, तो ये गए थे गांव में। कौन से गांव में? खजूरी ताल इटमा से गई थी बारात, गोरा गांव है। क्या हुई कि वहां पता नहीं गए तो लड़ाई दंगा किए या डांस में कुछ बातचीत हुई बारात के द्वारा, और वो जो है तो वहां पर जो है तो चाकू मार दिया। आइए बचाने के लिए छोटा वाला भाई गया तो इसके भी मार दिया तो खत्म हो गया बड़ा वाला। बड़े वाले का नाम है राबेंद्र पटेल, इसका नाम है प्रकाश पटेल। दोनों के पिताजी के क्या नाम है? राम स्वरूप पटेल।